नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 जारी कर दी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके जो फॉर्म फिल होना है वो 28 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और जो कि दिसंबर में 27 दिसंबर तक आपके भरे जाने वाले हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर जनरेट हुई है, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले आपको आइडिया हो कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो विभाग का नाम अगर हम देखें तो पहले नंबर पर अगर आपके देखें तो यहाँ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर जो है आपके जो कि भर्ती सेवा नियम उप विधि जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी भवन व पथ शाखा सेवा नियम 1973, यहाँ पर पद के नाम क्या क्या है। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक के यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो देखें तो कुल पद यहाँ इसके 36 हैं, डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए, डिप्लोमा वाले 8 हैं, कनिष्ठ अभियंता जो डिग्री धारकों के लिए 23 है और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट जनरेट होने वाली है। इसी तरह से जल संसाधन विभाग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारकों के लिए 129 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए 112 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों के लिए 4 और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए 10 पद यहाँ पर आपको जल संसाधन विभाग में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर अगर हम बात करें तो सिविल के डिग्री धारकों के लिए 17 पद हैं, यहाँ कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए 141 पद हैं, कनिष्ठ अभियंत्रिका अभियंता यांत्रिकी के लिए जो है विद्युत डिग्री धारकों के लिए 10 पद हैं और यहाँ यांत्रिक और विद्युत दोनों कंबाइंड रहने वाले हैं, मैकेनिकल और आपके इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ 49 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में स्वायत्त शासन विभाग के अंदर अगर हम बात करें तो सिविल के डिग्री धारकों के लिए 58 पद हैं कुल और डिप्लोमा धारकों के लिए सिविल के 14 पद हैं। इसी तरह से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर आपके कनिष्ठ अभियंता सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए 6 पद हैं और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए सिविल में 22 पद है। तो सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए एक तरह से ये चांदी जो है यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जारी करी है। साथ ही साथ में यहाँ पर पंचायती राज विभाग में भी आपको बहुत अधिक संख्या में पद देखने को मिलने वाले हैं। तो कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री धारकों के लिए 281 पद और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए 185 पद है। इस प्रकार कुल 1111 पदों की विज्ञप्ति जो है यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी जो चयन आयोग है उसने जारी करी है। अब आपकी तैयारी में उत्कर्ष किस प्रकार से आपकी तैयारी को खास बनाने वाला है, तो आप लोगों के लिए RSSB जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले और सिविल वाले विद्यार्थियों के लिए आपके रिकॉर्डेड कोर्स आपके अवेलेबल हैं उत्कर्ष ऐप के ऊपर, जिनका प्राइस आप देख सकते हैं 4,000-4,500। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 2,000, डिग्री वालों के लिए 2,000 और इसी तरह से मैकेनिकल और सिविल के लिए RSSB जूनियर इंजीनियर के लिए जो है ये आपका ये डिग्री वाले विद्यार्थियों का है सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स है, जबकि ये जो है आपके डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए आपके रिकॉर्डेड कोर्स उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलने वाली है, तो 15 फुल लेंथ टेस्ट के साथ में आपके यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पर डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले दोनों विद्यार्थियों के लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो है वो आपको 800 में और आपके केवल डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज जो है 500 में मिलने वाली है। साथ ही साथ में ये आपके रिकॉर्डेड बैच जो है RSSB JEE के लिए भी आपके अवेलेबल हैं, ये आपके मैकेनिकल के लिए जो है आपके बैच जो है वो इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए 2,000 रुपये में आपके अवेलेबल हैं, और इसी तरह से आपके MCQ रिकॉर्डेड बैचेस भी आपके अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप पर जाकर अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और आप अपनी मजबूत तैयारी को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।